So I think we can't finish this session if I don't ask you about your books. So the obvious question is why and how, you know, why did you want to write books, you know, textbook kind, you know, what was the... Various qualities that are needed if you want to contribute towards society, towards nature, various qualities that are needed. One of them is to accept challenges, okay, and have confidence that I can do it. And for that, you may have to put in a lot of efforts, you can fail several times and all that. But if you have confidence on yourself and if you are ready to take challenges, then only you will be able to contribute. There are many more qualities are needed, but these are some of these. तो 1979 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था पटना साइंस कॉलेज में एंड दैट टाइम प्लस टू वॉज देयर इन दैट कॉलेज एंड आई डिड माई प्लस टू फ्रॉम दैट कॉलेज ओनली. तो मुझे दिया गया क्लास 11th 12th पढ़ाने के लिए एंड माई फेवरेट बुक वॉज बुक बाय रसनिक हेलिडे, फिजिक्स सेकेंड एडिशन बाय रॉबर्ट रसनिक डेविड हेलिडे, माई फेवरेट बुक, बहुत अच्छा. And I had come across that book when I was doing MSc at IIT Kanpur. तो library में मैंने देखा था, तो MSc का कोर्स अलग चलता था और मेरा वो फिजिक्स टू मैं अलग से पढ़ता था और उसका सोल्यूशंस करता था, उसके प्रॉब्लम्स बनाता था. आई लर्न लॉट ऑफ बेसिक फिजिक्स फ्राम देयर. सो 1979 में जब मेरे को क्लास मिला वहाँ, तो हमने बहुत प्यार से रसनिक हेलिडे सबको खरीदवा दिया, ये हमारी बेस बुक होगी, इसी से सवाल बनाएंगे, इसी से पढ़ेंगे, इसी से टेक्स्ट पढ़ेंगे ना. तो मुझे यही लगा कि भाई पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो शायद बढ़िया नहीं पढ़ाया होगा हमने. दूसरे साल फिर से कोर्स मिला तो हमने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा ढंग से पढ़ाया, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं. तब मैंने एक बहुत बड़ा लेसन लर्न किया और बड़ा लेसन हमने जो लर्न किया उसको मैं आज तक उसको फॉलो करता हूँ और उससे गाइडेड होता हूँ. एंड द लेसन वॉज कि अगर आप स्कूल सिस्टम के अंदर में और साइंस पढ़ा रहे हो तो दैट कैन नॉट बी विदाउट नोइंग द लाइफ स्टाइल ऑफ योर स्टूडेंट्स. अगर आप अपने बच्चों का लाइफ स्टाइल नहीं जानते हो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप उनको साइंस नहीं पढ़ा सकते. ये मैंने सीखा 3-4 बार फेल होने के बाद. पटना साइंस कॉलेज में बहुत ब्रिलियंट बच्चे आते थे, बहुत ब्रिलियंट बच्चे, क्योंकि वो हमारे बिहार का सबसे प्रेस्टीजियस कॉलेज था प्लस टू के लिए. लेकिन सब आते थे छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे शहरों से आते थे वो, पटना रांची भागलपुर वगैरह से कम ही आते थे, और छोटे छोटे पूर्णिया है, गोपालगंज है, फारबिसगंज है, इन सब से आते थे. और यहाँ पर उनको जो जिस प्रकार की ज़िंदगी वो जी करके आए थे और यहाँ रसनिक हेलिडे में हम जो उसको पढ़ा रहे जो वो मैच कल्चरल मैपिंग नहीं हो रही थी. फिजिक्स अलग चीज़ है बट दैट कल्चरल मैपिंग नहीं हो रही थी. रसनिक हेलिडे जिस कैनवास के ऊपर पेंट किया गया था वो कैनवास हमारा इंडियन कैनवास नहीं था एंड दैट इज़ वाई इट वॉज फेलिंग. दैट आई लर्न्ड फ्रॉम दोस 3-4 ईयर्स ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स. और मुझे वो किताब क्यों अच्छी लगती थी, क्योंकि वो किताब मैंने प्लस टू में मेरे सामने नहीं आई थी. वो किताब मैं एमएससी में जब मैं पढ़ रहा था आईआईटी कानपुर में तब मेरे सामने आई थी और उस समय तक मैच्योरिटी इतनी हो गई थी कि अब हम अपनी लाइफ से अलग करके भी फिजिक्स को देख सकते थे, राइट. तो वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से शुरुआत थी. मैंने सोचना, मैंने खोजने की कोशिश की कि इज़ देयर एनी टेक्स्ट बुक अवेलेबल इन इंडिया विच इज़ एज ऑथेंटिक इन फिजिक्स एज दिस रसनिक एंड हेलिडे बुक, बट एट द सेम टाइम हुज कल्चरल प्लेटफॉर्म इज मोर इंडियन एंड मोर लाइक अ मिडिल क्लास पॉपुलेशन. छोटे शहर, छोटा शहर, एवरेज छोटा शहर, ओके, वो हमें मिला नहीं, राइट. दो साल तीन साल हम जयपुर गए, तो मध्य प्रदेश गए, यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ की टेक्स्ट बुक, वहाँ की टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरीज, वो हमें मिला नहीं. दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड दैट आई क्रिएट दैट काइंड ऑफ कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के लिए. दैट्स द स्टोरी. एंड हाउ लॉन्ग इट टेक यू टू राइट दैट बुक? इट टुक मी 8 ईयर्स. तो अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो,
पहली बात आपको ये सब नहीं सोचना होगा कि इसमें रिस्क कितना है और ये सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा। मेरे को सारे वेल विशर्स ने, कलीग्स ने, इसने उसने सब ने कहा कि काहे को लिख रहे हो ये रामायण महाभारत, फिजिक्स लिखना है भैया, फिजिक्स लिखो, ये इसमें फालतू के ये बंदर बंदर वाली फ़ोटो हटाओ और सीधा सीधा वो डायग्राम बनाओ, फिजिक्स की किताब ऐसी नहीं होती है, यू आर नॉट राइटिंग ए स्टोरी बुक। सब ने मेरे को ये कहा। तो आप किसी से वो हटोगे नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आओगे, सोसाइटी क्या कहेगी सोचना नहीं है, अटेम्प्ट फेल करेगा अंत में कि पास करेगा इस पर सोचना नहीं है। इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट, पूरी ताकत उसके पीछे लगाओ। ओके, तो हमने जाने कितनी बार मैनुस्क्रिप्ट लिखा, बदला, लिखा, बदला, लिखा, बदला, 8 साल में वो किताब तैयार हुई। So how was that feeling to grab it for the first time, you know, holding that book? I was very excited. जब वो प्रेस में गया, जब हमने लिख रहे थे तब तो हम लिख रहे थे, तब तो मेरे पास टाइम नहीं था सोचने का और कुछ। आई हैव टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट विच सूट्स इंडियन मासेस। वो मेरे फिजिक्स तो थी ही रसनी खेली डे के अंदर में, ज़रूरत क्या थी दूसरी किताब लिखने की, फिजिक्स तो थी ही वहाँ पर, लेकिन मेरे इंडियन मासेस को उसमें अपील करना चाहिए। वो बच्चा खोल करके पढ़े जब हमारा स्टूडेंट, तो उसको लगना चाहिए ये मेरी किताब है, ये मेरी ज़िंदगी की किताब है, ये उसको लगना चाहिए। सारा एफर्ट्स इसके ऊपर था। ओके, तो उस समय तो कुछ सोचने का था नहीं दूसरा, लेकिन जब प्रेस में चली गई और कलम बंद हो गई लिखने वाली, उसके बाद से इंतज़ार शुरू हुआ कि ये कैसी आएगी, ये कैसी आएगी, और ये स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, कम्युनिटी को ये सर्व करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन एक ज़रूर साथ में था, ये कम्युनिटी को उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ये चीज़ ज़रूरी थी कम्युनिटी के लिए, ये नहीं थी, ये हमने क्रिएट की। सेटिस्फैक्शन मेरा तब भी होता अगर ये किताब नहीं भी, अगर लाखों लोग उसको खरीदते, पढ़ते, उससे फ़ायदा उठाते, तो भी मेरे को सेटिस्फैक्शन था। ये नहीं था, ये क्रिएशन मैंने किया। तुलसीदास ने रामायण लिखी थी तो क्या उन्होंने सोचा था कि हर घर के अंदर में रामायण मिलेगी? नहीं सोचा था ना। तो वो हमने क्रिएट किया, वो सेटिस्फैक्शन हमें तब भी रहता। लेकिन हाँ, ये एक्साइटमेंट ज़रूर था कि हाउ दी फिजिक्स कम्युनिटी विल टेक इट, एंड जिस ढंग से वो उसका ग्राफ फर्स्ट ईयर के अंदर से ही एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसने दिखाया और उसके बाद वो मोनोटोनिकली बढ़ता ही जा रहा है। 25 साल हो गए हैं उसको, 1992 में पब्लिश हुई थी, उसका सेकंड एडिशन नहीं किया मैंने। तो जिसको एक हिंदी में शब्द होता है कालजयी रचना, ओके, कालजयी रचना जिसको कहते हैं, हमने उस समय में ये नहीं सोचा था कि हाँ ये 25 साल के बाद भी अपनी उपयोगिता नहीं खोएगी, हमने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन चीज़ वैसी ही बनी। वो 8 साल का एफर्ट ऐसा ही बना। हाउ मेनी टाइम्स दैट सिलेबस हैज चेंज्ड, कितनी बार एग्जामिनेशन के पैटर्न्स चेंज किए। मुझे नहीं पता था कि जेई विल के जो एस्पिरेंट्स होंगे वो इसका सबसे बड़ा बायर होगा, हमें नहीं पता था उस समय में, लेकिन बाद में ऐसा हो गया। हालांकि बहुत जगह और बहुत जगह यूज़ होती है, यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं इसको, बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स वाले यूज़ करते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर यूज़ होता है, बट द फैक्ट रिमेंस कि हाँ, जो जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उस समय हमें पता नहीं था कि ऐसा होगा, राइट। जेई एग्जामिनेशन के पैटर्न कितनी बार बदल गए, पूरे टोटल बदल गए, बड़े बड़े परिवर्तन हो गए। मेरे को कई बार पब्लिशर ने कहा कि अब तो हमने कहा कि अब कुछ नहीं, आप इंतज़ार करो, कुछ नहीं होने वाला है इस किताब को। ये किताब अपना पर्पस अभी भी वैसा ही पूरा करेगी, क्योंकि इस किताब का पर्पस एग्जामिनेशन पास कराना नहीं है। ये किताब आप में फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए है, और वो होगा क्रिएट इंटरेस्ट, होता है। एक बड़ी संख्या में लोग इस किताब को जब इस्तेमाल करते हैं तो उनमें वो जगता है, वो मेरे बंदर काम करते भैया वो काम करेंगे, वो इम्तहान से ड्रिवन नहीं है, इट्स नॉट एग्जामिनेशन ड्रिवन। आप देखो सिस्टम, आपने पहले सवाल पूछा था, एग्जामिनेशन है, बच्चों को टेंशन है, बच्चे एग्जामिनेशन के कारण से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ने में आ गए तो उनको मजा आने लग गया। ओके, तो इसलिए इस किताब ने अपनी जगह नहीं खोई है 25 साल के अंदर में, सेकेंड एडिशन नहीं हुआ है इसका। नहीं, पर जब लैपटॉप आ गए तो सेकेंड वर्जन क्यों नहीं सर?
कल्चरली इवॉल्व हो गए बच्चे भी. नहीं, कुछ चीज़ें होती है जो कि जिंदगी थोड़ी बदलती है, बेसिक जिंदगी नहीं बदलती है. लेकिन हाँ, आप ठीक कह रहे हो. तो अब 25 साल हो भी गए हैं, तो अब एक और इस 25 साल के अंदर में देयर इज एन अनदर एस्पेक्ट टू इट. इन दिस 25 ईयर्स आई हैव ऑल्सो ग्रेजुएटेड टू अपर लेवल, नेक्स्ट लेवल. 25 साल में मैंने भी तो सीखा है ना कुछ. 25 साल ऐसे ही थोड़ी बिता दिए बिना सीखे. सो हमने जो सीखा है इस 25 साल के अंदर में, दैट शुड ऑल्सो बी गिवन टू द सोसाइटी. और यस, आज जब मैं अपनी किताब को पढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को, तो मुझे लगता है कि उस समय बहुत नौसिक हुआ था, मैं बच्चा था, वो ऐसा लिख दिया मैंने. अरे इसको ऐसा लिखा होता तो कितना मज़ा आया होता. आज मैं फील करता हूँ उस बात को. ठीक है, हालांकि जो लिखा है वो अभी भी उतना ही रिलेवेंट है, बट यस, आई एम नाउ मोर कैपेबल. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, फर्स्ट आई एम ब्रिंगिंग अ हिंदी वर्सन ऑफ इट. ओके, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ. उसका जो पहला, दो पार्ट्स में है वो किताब, तो जो पहला पार्ट है उसकी हिंदी वर्सन शायद 2018 के मिडल तक आ जाए बाजार के अंदर में, हो सकता है. हिंदी खुद लिख रहे हैं? मैं खुद लिख रहा हूँ, बिल्कुल मैं खुद लिख रहा हूँ, सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ. ओके, और उसके अंदर में मैंने कोशिश की है कि जो हमारा अभी का सिनेरियो है उसके अनुसार उसको हम करें. हालांकि हमने उसके प्रॉब्लम्स नहीं बदले हैं, थोड़े बहुत बदले हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बदले. लेकिन जो टेक्स्ट है, मेरी किताब का स्ट्रेंथ केवल उसके प्रॉब्लम्स नहीं है, उसका टेक्स्ट है, वो काफ़ी परिवर्तन हो गया है, बिल्कुल एक एडवांस्ड हो गया है. और सेकेंड वॉल्यूम फिर उस पर काम करेंगे, उसमें जितना समय लग जाए, मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा, बट ये जब हो जाएगा तब इसको फिर इसके आधार पर इंग्लिश का सेकेंड एडिशन आएगा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा. सो दिस इज इट. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. लेकिन जब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको और कुछ एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि स्टोरी ऑफ कॉन्सेप्ट फिजिक्स तो हो गया, बट अभी मैं एक चीज़ और पे काम कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थ्रू स्टोरीज. सो आई एम राइटिंग अ बुक विथ अनदर ऑथर एंड इज वेरी यंग. अभी उसने बी टेक पास किया है महाराष्ट्र के किसी यूनिवर्सिटी से. बीटेक अभी पास किया है उसने, दो साल तीन साल पहले. योर पार्टनर इज अ स्टूडेंट? यस, एंड ही इज द फर्स्ट ऑथर, आई एम द सेकंड ऑथर. ओके, एंड वी हैव रिटन अ बुक जिसको कहते हैं कहानियों से भौतिकी, उसका शीर्षक है कहानियों से भौतिकी. सो वी हैव पिक्ड अप 28 स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, फ्रॉम जातक टेल्स एंड फ्रॉम सम मैथोलॉजीज, महाभारत वगैरह से. तो 28 स्टोरीज मैंने ली हैं. पहले किताब के अंदर में पहले स्टोरी होगी बढ़िया सी, उसमें फ़ोटो वोटो लगी होंगी, कहानी की किताब जैसे दिखेगी वो. ओके, और उसके बाद फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे ऑन दैट प्लेटफॉर्म. वो कौवे ने घड़े के पानी के अंदर में पत्थर डाला, पानी ऊपर आ गया, अब कितना बड़ा आर्किमिडीज के उसमें से वो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कितने सारे मैथमेटिक्स की चीज़ें बनेंगी, वो किस शेप का घड़ा है और उसका क्या रेडियस है, तो आधा भरा है कि चौथाई भरा है, तो कितने ऊपर तक पानी होगा, क्या होगा, कितने उसके डायनामिक्स के प्रॉब्लम बनेंगे. जब वो पत्थर डालेगा तो पहले तो वो हवा में पत्थर चलेगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, फिर वो पानी में चलेगा तो कुछ एक्सेलरेशन कम होगा, तो कितने सारे डायनामिक्स के प्रॉब्लम बनेंगे. तो हर एक कहानी पर ऐसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाए गए हैं और उन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस बनाया गया है, और सॉल्यूशंस के टाइम में फिजिक्स को वाकई एज ए टेक्स्ट बुक डील किया गया है. सो इट विल बी अ लर्निंग मटेरियल, इट विल नॉट जस्ट रैपिड रीडिंग टाइप. तो वो भी आएगा, उसमें भी मज़ा आएगा पढ़ने में, सीधे क्लास वो आप ट्रेन में जा रहे हो तो साथ में ले जाना पढ़ना, वो भी ठीक है, और एट द सेम टाइम आप उसमें से बाकायदा फिजिक्स लर्न करोगे. सो दैट ऑल्सो इज कमिंग अप. वेरी नाइस. I mean, we are talking about such nice books and your ideas, you know, to take through stories. But unfortunately, currently, even at IITs, the scenario has become such that, you know, most times students are, you know, oriented to getting into IIT or, you know, take these competitive exams, UPSC and all. Right. And in that, somehow, the society or the academic class feels the coaching centers have played some role in making this process less enjoyable. Or somehow we have also gotten tuned into this to get, the goal is to, and then somehow, you know, that excitement is lost. When you get there, there's no excitement, but you're there.
So how can, as a society, academician, we can, you know, deal with this or make better use of the situation? What to do? So this is a social issue, okay, and it has to be solved by social leaders. It's not an academic issue as such, right? The coaching institutes are declared agenda is, they are very honest, right? Their declared agenda is to prepare you for the examination, right? उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई खराब बात भी नहीं है. अगर आप बताते हो कि हाँ ये मेरा एजेंडा है तो ठीक है. कहाँ गड़बड़े? गड़बड़ यह है कि the feeling is given that if you pass this examination and get into a good institute, so called good institute, वो IITs होंगे, ICERs होंगे, या फिर मेडिकल की तरफ जाओ तो एम्स होंगे, जो भी होगा, वंस यू आर एडमिटेड देयर, ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, योर लाइफ इज सेट. ये जो फीलिंग दी जाती है ना एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ये बहुत गलत फीलिंग जा रही है. और इसलिए सारा फोकस होता है कि बस आ जाओ किसी तरह IIT के अंदर में, फिर तो सब काम खत्म है. लेकिन आने के बाद पता चलता है कि अरे ये वार्निंग का लेटर कहाँ से आ गया? ये क्या हो गया? ये एकेडमिक प्रोबेशन पे क्यों डाल रहे हैं मेरे को? मैं तो JEE पास करके आया हूँ भाई. तो IIT वाले के तो ये यहाँ पर थोड़ी सी डिसऑनेस्टी है. ठीक है, आप मेरे को कंज्यूमर समझते हो, कोई बात नहीं है, आप मेरे को एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक अपना कंटेंट बनाया है, आप एक आपका टीचिंग का ग्रुप है, आप वर्कशीट्स बनाते हो, आप मुझे ट्रेन करते हो, आप मेरे इम्तहान के लिए मुझे प्रिपेयर करते हो, उसके लिए मेरे से पैसा लेते हो. तो ठीक है, मैं आपका कंज्यूमर हूँ और आप जो हो मेरे को कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. बट देन उस प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो सही सही देना तो कर्तव्य है ना. वहाँ पर जो गलती कर रहे हैं, वहां पर जो बता रहे हैं कि बस दो दिन क्रीम लगा लो सांवले से गोरे हो जाओगे, ये जो हो रहा है साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये जो कर रहे हैं कि बस ये एग्जाम मेरा, ये प्रोडक्ट लो, एग्जाम पास करो एंड योर लाइफ इज सेट, यहां पर गड़बड़ हो रहा है. बट इट्स नॉट एन एकेडमिक प्रॉब्लम. सो एज एन एकेडमिशियन आई डोंट हैव एनी आंसर हाउ टू सॉल्व इट. तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सोसाइटी में जाकर के सोशल लीडर्स को बताना पड़ेगा कि भाई क्या है, तथ्य क्या है, और उसमें हम हेल्प कर सकते हैं. उसमें हम, जैसे मैं तो चूंकि आउटरीच करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, अब आप लोगों का प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है तो और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ. तो मैं IIT का प्रोफेसर होने के नाते IIT की जो रियलिटीज़ हैं, हमने जुगनू सैटेलाइट बनाया जो इसरो ने प्रोजेक्ट किया, जिसने पूरे जितने दिनों के लिए वो बनाया गया था उससे डबल टाइम तक उसने इमेजेस भेजे, और IIT कानपुर के अंदर में स्टूडेंट्स ने उसको, इट वाज ऑल स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट है ना, IIT कानपुर के स्टूडेंट्स ने ही सारा प्रोजेक्ट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के असिस्टेंस से, बट इट वाज अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट. और क्या क्या नहीं लगा, आप कह रहे थे ना वो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज की बात आप करते, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उसमें बायो साइंसेज के स्टूडेंट्स, उसमें सिविल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, सब ने मिल करके उसको बनाया. वेरी नाइस थिंग. लोग वो फार्मूला कार्ड्स बनाते हैं और कई तरह के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर में मेरे स्टूडेंट्स की बनाई हुई कारें जाती है. येस, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू साइकेट्रिस्ट्स ऑन आवर पैनल. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि IIT में जब हम पहुँचते हैं तो केवल हम ये बड़े बड़े झंडे ही नहीं गाड़ते हैं, हम अपने ये दिमाग के जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके पास भी हमें बहुत बार जाना पड़ता है और दवाइयाँ खानी पड़ती है, राइट? तो ये सारी जो इनर स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी और जो हमारी ये हार्ड स्टोरीज़ है ये भी हम रखते हैं सामने. और हम ये भी सामने रखते हैं कि अगर आज हम स्पेस साइंस के अंदर में, दुनिया के अंदर में हम लीडर हैं, अगर सब जगह के लोग हमारे यहाँ अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं GSLV से और PSLV से उसको प्रोजेक्ट होने के लिए, तो इस पूरे प्रोसेस में हाउ मेनी IITians आर इन्वॉल्व्ड? आप पूरे इसरो का अगर आप देखो वर्कफोर्स जो है, शुरू से अभी तक का जो वर्कफोर्स है, हाउ मेनी IITians आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग दैट अप? तो हम ये भी बताते हैं कि भैया IITs के आप, ठीक है IIT अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है, लेकिन IITs के बाहर की दुनिया में से कुछ निकल करके नहीं आता है, ऐसा नहीं है. आप में वो कमिटमेंट चाहिए,
आप में वो क्षमता चाहिए, आप में वो लगन चाहिए, आप पीछे लग जाओ उसके। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज सोसाइटी के अंदर में पहुंचाना है, सोसाइटी के अंदर में पहुंचाना है। अगर कोई इस तरह का प्रोसेस बन सके जिसमें कि ये मैसेज जो तेज़ी से लोगों में पहुंचे, ज़्यादा लोगों में पहुंचे, इफ़ेक्टिव वे में पहुंचे, तो शायद हम थोड़ा सा वो उसको बैलेंस कर सके जो एक बैलेंस ख़राब किया हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक चीज़ अच्छी है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो ठीक है, सब परीक्षाएं वैसे ही होती हैं, फेक परीक्षाएं हो जाती हैं और सब हो जाता है। वहाँ जाते हैं तो चलो थोड़ा बहुत एफ बराबर एम ए लिखना तो सीख जाते हैं, तो एक बेसिक लिटरेसी आती है, उससे ज़्यादा वहाँ से कुछ बनता नहीं है। आई डोंट नो, सब स्टूडेंट्स जो हैं दे विल नो इट बेटर, लेकिन मैं बहुत बार बातें करता हूँ जब स्टूडेंट से, भाई कोटा में तुम वहाँ से आए हो, बताओ वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो यही पता चलता है कि हाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखते हुए और बहुत हार्ड वर्क कराते हुए आपको परीक्षा के लिए तो तैयार कर लेते हैं, लाइफ के लिए, लेकिन लाइफ के लिए तैयार नहीं कर पाते लाइफ। वो अगर वो चीज़ छूट गई देन परीक्षा पास करने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में आप क्या नया कर सकते हो अपनी तरफ से, दैट पेज। मैंने एमएससी फिजिक्स के अंदर में कितने ग्रेड लाए, कितने ए लाए, कितने बी लाए, वो मैटर नहीं करता था, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिख सकता हूँ, ये मैटर करता था। तो ये एज ए सोशल प्रॉब्लम इसको डील करना होगा, नॉट एज एन एकेडमिक प्रॉब्लम, तब कुछ कर सकते हैं शायद। आई डोंट नो, इसके बाद मैं आपको पूछ ही क्या सकती हूँ सर, सीरियसली। आई थिंक यू हैव गिवन अस लेसन ऑफ लाइफ हियर एंड आई थिंक विद दिस आई विल एंड। ओके, एंड आई विल थैंक यू फॉर वंडरफुल टाइम यू नो वी हैड विद यू एंड यू टेकन योर वेरी प्रेशियस टाइम। द होल सेशन, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, मुझे बहुत अच्छा लगा रिप्लाई करने के लिए, एंड स्पेशली इफ इट इज़ गोइंग टू रीच मेनी पीपल, तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर।